हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती, जो कि है कांच को लेकर और कोलगेट से। तो कोलगेट यहाँ पे कोई भी आप कांच ले सकते हैं, और कांच के ऊपर कोलगेट को इस तरीके से अप्लाई करिए और रब करिए, और देख सकते हैं इसको रब करने के बाद आप कॉटन की मदद से इसको पोंछ लें, पोंछ लेंगे और कांच एकदम क्लीन हो जाएगा। कोई भी आप कांच साफ कर सकते हैं, जैसे विंडो हो, बड़ा कांच हो, छोटा कांच हो, तो ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया। एक कोलगेट कितना कमाल कर सकता है। और देख सकते हैं कांच एकदम क्लीन हो चुका है, और मैं वीडियो शूट करें किचन में। ये दूसरा टिप है मेरा चार्जर को लेके। चार्जर देख सके कितना गंदा है, एकदम ब्लैक ब्लैक सा। और एक साइड का मैं साफ करूँगी कोलगेट की मदद से, डैब डैब करके उसको रब करेंगे। देख सकते हैं, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं एकदम बहुत सारा मैल छूट रहा है इसका। अगर हम पानी से इसको साफ करेंगे तो पानी अंदर जा सकता है, हमारा चार्जर ख़राब हो सकता है। इसके वजह से हमें कोलगेट की मदद से बिना पानी की हेल्प से इसको रब करेंगे और इसको छुड़ा लेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए। देख सकते हैं कितना वाइट हो चुका है। दूसरी साइड देखिए आप लोग, मैंने कोलगेट को नहीं लगाया हुआ था तो कितना ब्लैक ब्लैक से दिखेगा। आप देखो अभी दूसरी साइड कितना ब्लैक है, जो कि मैंने नहीं साफ किया है, और एक साइड कितना क्लीन हो गया है कोलगेट से, तो कितना ज़बरदस्त आइडिया है। और अब ये आ गया मेरा मोबाइल, और मोबाइल के कांच को हम चलाते चलाते कितना गंदा हो जाता है इसका स्क्रीन, तो इस पर भी हम कोलगेट को लगाएंगे थोड़ा सा ही, और फिंगर की मदद से इस तरीके से इसको फैलाएंगे, और जो हमारा फ्रंट कैमरा होता है उसको छोड़ देंगे, वहाँ पे नहीं लगाना है। सावधानी पूर्वक लगाने के बाद कॉटन की हेल्प से गीला ना करते हुए सूखे ही कॉटन से इसको पोंछ लेंगे, और एकदम कांच एकदम क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं इस इतना क्लीन हो जाएगा कि आप अपना फेस भी देख सकते हो इसमें। और तीसरा है मेरा, ये है मसाले का डब्बा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है ऊपर से अंदर से। तो हम इसके कैप को साफ़ करके दिखाएंगे। देखिए कितना अच्छे से साफ हो गया, और हम इसको आपको खोल कर भी दिखा देते हैं। अंदर साइड भी इतना गंदा लगा हुआ है, तो कोलगेट से हम इसको साफ़ कर देंगे बिना पानी में डाले। अगर आप पानी से धोएंगे तो उसको सुखाना भी पड़ सकता है, लेकिन ये कोलगेट जो है इसको लगाने के बाद और साफ कपड़े से आप कॉटन से पोंछ देंगे तो साफ हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से, बिना सुखाए बिना पानी से धोए। और हम देख सकते हैं ये छन्नी कितना गंदा हो चुका है, इसे अदरक वगैरह कद्दूकस करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा है। मैं इसको फेंकने वाली थी बट अब नहीं फेंकेंगे, वो कितना गंदा है आप देख ही सकते हो। इसको टैप टैप करके हाथों से बिल्कुल भी इसको रब नहीं करें, हल्के हाथों से दूसरे साइड जिसमें नुकीले पहली तरफ से कभी भी इसको साफ ना करें। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन हो जाएगा एकदम न्यू जैसा। और हम इसको फेंकने वाले थे लेकिन अब नहीं फेंकेंगे, देखने के बाद एकदम नमस्कार दोस्तों, अच्छा हो गया एकदम न्यू जैसा। तो हम इसको आप लोग देखिए लाइव वीडियो, एकदम क्लीन हो जाएगा, और इसका जो जंग है ना वो भी एकदम गायब हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक कोलगेट कितना कमाल कर सकते हैं। और मैं न्यू कोलगेट नहीं ली हूँ, जो कि मेरा ख़त्म हो चुका था, थोड़ा थोड़ा था, और देख सकते एकदम थोड़ा थोड़ा सा था, वही वाला मैंने उस पर यूज किया है, क्योंकि हमें वेस्ट थोड़ी ना करना है कोई भी चीज़। हमारा देखिए ख़त्म हो चुका था एकदम, वही वाला है, वही हम इस्तेमाल किए हैं, तो एकदम न्यू हो जाएगा। मैंने इसको पानी से धुल दिया है क्योंकि ये ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं, तो इसको एकदम देख सकते हैं कितना ज़्यादा एकदम अच्छा है। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा इसके लिए। और एक है मेरा ये ताली चाबी की वजह से इसमें जंग लग चुका है और बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो हम आज लेकर आए हैं कोलगेट से, देख लो कोलगेट से कितना अच्छे से साफ हो जाएगा, आप लोग देखिए वीडियो में। और ये कोलगेट जंग लगे ताले को एकदम ठीक कर सकता है।
हमारा ताला एकदम नया बन जाएगा। और यहाँ मैंने चाबी को भी उसी तरीके से एकदम साफ कर दिया है फ्रेंड।